तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत बढ़िया होगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है एक नए ऐप, धमाकेदार ऐप जिसका नाम है मैक्स टकाटक। दोस्तों, जैसे ही नाम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐप भी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता, जैसे ही टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आ रही है जिनमें रोपोजो और चिंगारी सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जो टिकटॉक की तरह ही है और बढ़िया है। आप उनमें वीडियोज बना सकते हो और जल्दी फेमस हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको रोपोजो और चिंगारी के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे उसको यूज करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब बात कर लेते हैं इस ऐप की, जो है मैक्स टकाटक। तो दोस्तों, एमएक्स प्लेयर की तरह बताया जा रहा है, ये ऐप एमएक्स प्लेयर की तरह है। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा तो ये। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इस पर कैसे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं, कैसे अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं और कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं और कैसे वीडियोस क्रिएट करके फेमस हो सकते हैं। तो आज ये दोस्तों आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज ये अगर आप सर्च करते हो टकाटक, तो इस तरह से कुछ प्ले स्टोर पर आपके सामने नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, अब हम इस पर बात करेंगे अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए और वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, कि मतलब कैसे आप इस पर वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, सिंपली आप देख सकते हैं, आप ये डाउनलोड होने वाला है और अब मैं इसको इंस्टॉल होने के बाद ओपन करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे ये इंस्टॉल होते जैसे हमें ओपन करना है सिंपली। दोस्तों, उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन लेगा, उसे अलाउ कर देना है। और आप देख सकते हैं, दोस्तों ये ऐप हो गया प्ले। मतलब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इस पर टैप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये वो नहीं हो रहा था, पॉज नहीं हो रही थी वीडियो, पता नहीं कैसे पॉज होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा आपको, मतलब टिकटॉक जैसा ऐप है, बढ़िया ही ऐप है ये। आप देख सकते हैं 12,000 प्लस लाइक्स आ रही हैं, 1200 व्हाट्सअप शेयर्स हैं और इतना हैंग भी नहीं कर रहा है। ट्रेंडिंग वाली चीज़ें चल रही है अभी, एक्सप्लोर में भी आके हम प्ले कर सकते हैं टकाटक मस्ती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको इस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले मी पर आ जाना है। मी पर आओगे, जैसे ही आपके सामने लॉग इन विद गूगल आएगा, आपको लॉग इन विद गूगल से ही करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इसका कोई भी मतलब और सिस्टम है नहीं कि आप दूसरे फेसबुक वगैरह से कर सकते हो या फिर मोबाइल नंबर से। तो मैं कर लेता हूँ अपने ही चैनल से, टैक फॉर ब्रदर्स से। अगर आपने मेरे चैनल टैक फॉर ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको उस पर क्लिक किया, मैंने टैक फॉर ब्रदर्स पर, तो वैसे ही आप देख सकते हैं मेरी वो आईडी बन चुकी है। ये ओनली बस एक क्लिक से मेरी आईडी तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर वीडियोज़ अपलोड करके इसको अकाउंट को चालू कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ वीडियो कैसे अपलोड होगी। आपको सिंपली प्लस के साइन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉर्मल लाइव शूट करना चाहते हो तो वीडियो शूट पर क्लिक करना है। अगर आप एडिट वीडियो करना चाहते हैं, एडिट इमेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सिंपली। जैसे ही आप एडिट इमेज वगैरह पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो भी कुछ है, वीडियोज़ वगैरह है, वो सारी सामने आ जाएगी और वहाँ से इसे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। मेरे मोबाइल में अभी कोई भी वीडियो नहीं है दोस्तों, मैंने अभी नया नया मोबाइल लिया है तो मैंने अभी कोई भी वीडियो नहीं रख रखी। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ही आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने टाइटल वगैरह आएगा, वहाँ से टाइटल लिख के आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं इसका लिंक दे दूँ, आपको प्ले स्टोर पर आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में।